पर जो नल्ले यूट्यूबर्स होते हैं उनकी बात करो, उन्हें पीछे के बारे में कुछ पता नहीं होता, ऑडियंस को नल्ला बनाते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनमोल जायसवाल के द्वारा एक और बनाए गए बजट गेमिंग पीसी का रिव्यू। क्योंकि उन्होंने आज ही शायद ये वीडियो अपलोड की थी, तो देखते हैं। सस्ता न्यू गेमिंग पीसी विद जीपीयू, सस्ता न्यू गेमिंग पीसी विद जीपीयू, सस्ता जीपीयू वाला गेमिंग पीसी। प्रोडक्ट यूआरएल भी गजब है भैया, मस्त है। सस्ता पीसी जीपीयू वाला गेमिंग पीसी, लाइक अगर तुम एक पीसी एंथुसियास्ट हो तो तुम्हें जरा भी पता तो तुम सोच रहे क्या भैया, कहीं आज कहीं i3 के साथ GTX 1030 तो पेयर नहीं कर दिया, मतलब सस्ता गेमिंग पीसी विद जीपीयू, लाइक लेट्स सी इट। एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, ओके चेक करते हैं, जहां उनकी नजर हो देखा। तो यार जितनी भी मैं पीसी बिल्ड की वीडियो बनाता हूं उसके नीचे एक कमेंट कॉमन रहता है कि जीओ 720 पे चलूंगा तो अभी अटक जाएगी, नेट है पर। तो यार जितनी भी मैं पीसी बिल्ड की वीडियो बनाता हूं उसके नीचे एक कमेंट कॉमन रहता है, इसमें इंट्रो नहीं था, हे गाइस व्हाट्स अप, लाइक दैट समथिंग लाइक दैट। कि यार हमें सस्ता पीसी चाहिए, 10,000 का चाहिए, 15,000 का चाहिए, 20,000 का कोई पीसी बता दो। तो पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि 10,000 15,000 20,000 में कोई भी नए पार्ट्स के साथ पीसी नहीं बनता। एकदम सही बात है, एकदम सही बात। फिर भी अगर तुम्हें नया पीसी चाहिए 10,000 के अंदर, उसके लिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, AMD की एथेलॉन सीरीज जो 2 कोर 4 थ्रेड की आएगी, पर उसमें जीपीयू तुम्हें तगड़ा मिलेगा, तो लाइक तुम उसमें थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो। ता बनेगा भी तो सेकंड हैंड पार्ट्स है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, OLX पे ढूंढो पार्ट्स, कोई कहीं से मिल रहा है कोई कहीं से। लेकिन अगर आपको नया पीसी लेना है विद ग्राफिक कार्ड तो मुझे नहीं लगता इससे सस्ता और इस जैसी परफॉर्मेंस देने वाला पीसी आपको मिल पाएगा। इस पीसी का प्राइस हमने रखा है 33,900। रुक जाओ मत लेना ये पीसी, मत लेना, क्यों क्यों सुनो बात, 30,000 और एक मिनट को, 30,000 का तुम्हारा बजट है। और अगर तुम्हें पीसी सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए, किस लिए गेमिंग के लिए, जो गेमिंग के लिए तुम्हें पीसी चाहिए ना, तो उससे अच्छा ये है, जिस 30,000 में ये सबसे अच्छा है। 34,999 30,000 में ये पीसी तुम्हें 2K हाई रिफ्रेश रेट वाली, मतलब कंसोल 2K हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग करा देगा। वही अगर ये तुम ये पीसी लेना चाहोगे ना तो इसकी 1080p हाई सेटिंग में फटके हाथ में आ जाएगी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम्हारा मेन प्राइमरी यूज सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है तो तुम्हें एक्सबॉक्स सीरीज एस लेना चाहिए, कोई सा भी पीसी नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें दूसरे काम करने हैं तो तुम भले ये पीसी ले सकते हो। और रही बात, मैंने पीसी वर्सेस कंसोल की एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, उसमें देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि भाई तुम्हें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो वो भी तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई इंडिया में पेरेंट्स तुम्हें कंसोल नहीं दिलाएंगे, क्योंकि कंसोल का प्राइमरी रीज़न ही होता है कि गेमिंग, और गेमिंग के लिए कोई इतना पैसा खर्च नहीं करेगा। वही अगर तुम पीसी लोगे तो पीसी और भी दूसरे काम आएगा, तो उस हिसाब से भी देख सकते हो। अगर तुम्हारे घर वाले कंसोल के लिए नहीं मानते ना, तो उसके बाद तुम इस पीसी के बारे में सोच सकते हो, जो कि अनमोल भैया ने बताया, नहीं तो कंसोल फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि ये तुम्हें 2K हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग करा देगा। वही इसकी 1080p हाई सेटिंग में 60fps में फटके हाथ में आ जाएगी, मजाक नहीं कर रहा भाई, सही में। अगर आप शिपिंग करवाओगे पूरे इंडिया में कहीं पर तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें 1,000 रुपये, लेकिन स्टोर से लेकर जाओगे तो आपको 34,000 रुपीज में विद ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, 34,000 में। और अगर तुम कुछ डील्स वगैरह में लेते हो एक्सबॉक्स सीरीज एस कंसोल तो तुम्हें भैया गेम्स भी मिलेंगे साथ में ओरिजिनल। तो गाइस सबसे बड़ा कंसोल और पीसी का फायदा नुकसान एक ही है कि कंसोल सस्ता होता है पीसी महंगा होता है, पर कंसोल के गेमिंग होते हैं पीसी के गेम्स, तुम सोच लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस वही है। पीसी जिसमें आपकी
मैं क्या अगर तुम्हें चाहिए इस पर डिटेल वीडियो, कौनसल वर्सेस पीसी, हाउ दे अर्न, मतलब व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिजनेस मॉडल, मतलब कौनसल कैसे फ़र्क करता है, पीसी का बिजनेस मॉडल क्या होता है, मतलब गेमिंग कंपनीज किस तरह से काम करती है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि लाइक कौनसल का जो बिजनेस मॉडल होता है वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, निंटेंडो हो, पीएस, प्लेस्टेशन हो, सबका सेम होता है, वही पीसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का। तो सबसे पहले इस पीसी के बारे में चलते हैं कि क्या है ये पीसी। जैसे कि अगर तुम्हें गेमिंग के लिए चाहिए तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना कर दिया कि तुम्हें एक्सबॉक्स सीरीज एस लेना चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं इसको। फाइव, एपेक्स लेजेंड, वॉरज़ोन वगैरह सारी गेम्स जो वो स्मूथली रन कर जाएगी। तो गाइस इस पीसी की प्राइस देख के मैं ये बता सकता हूँ कि ये पीसी तुम्हारा सारी गेम्स चला सकता है। मतलब तो गाइस बात की जाए तो ये पीसी तुम्हारे सारे गेम्स चला सकता है, मतलब है कि चला सकता है। अभी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि यार तुम 1080p हाई सेटिंग्स पे 60fps वो ये नहीं कर पाएगा, उसके लिए तुम्हें चाहिए कि भाई गेमिंग का मतलब कतई जहर एक्सपीरियंस चाहिए। 1080p 144 हर्ट्ज़ की गेमिंग करनी है तो उसके लिए सीरीज ऐसे वो तुम्हें 2K गेमिंग 60fps पे आराम से करा देगा, पर ये पीसी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ लाइक 720p 30fps इट विल गिव इन साइबरपंक ऑल्सो, बट GTA 5 में तो अच्छे खासे 1080p हाई सेटिंग्स पे दे देगा, पर FPS भी सही से मिल जाएंगे आपको गेमिंग के लायक। इस बजट में हमारा बजट किंग पीसी आता है, उसमें कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, APU यूज़ करा गया, बट इस पीसी में भाई प्रॉपर ग्राफिक कार्ड यूज़ करा गया है, तो काफ़ी अच्छा पीसी है। और हमारे पास सिर्फ दो ही पीस है इसके gamesoup.in पे। स्टोर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गुड़गांव आसपास रहते हो कहीं पर तो आ जाना स्टोर पर ही, कहीं बाहर रहते हो इंडिया से बाहर नहीं मतलब गुड़गांव से बाहर तो वेबसाइट से ऑर्डर कर दो, उसका भी लिंक दे रखा है। पीसी का नाम अभी तक हमने भी नहीं सोचा वैसे क्या रखें, बट डिस्क्रिप्शन में लिख सस्ता गेमिंग वाला पीसी क्या था उम्मीद मत रखना इससे, इतने कम प्राइस में आपकी गेमिंग हो जाए वही बहुत है। मदरबोर्ड में हम i3 कौन सा की तो वैसी i3 9th जनरेशन का प्रोसेसर, ये क्वाड यार अनुभव भैया मैं पहले कह रहा हूँ आपको, प्लीज रिक्वेस्ट है मॉडल नंबर पता है करो या फिर नीचे लिख दिया करो, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ तो लिख दिया करो मॉडल नंबर लाइक 9300F है कि कौन सा है के वर्जन, मतलब कुछ। गेमिंग आपकी काफी स्मूथली करवा देगा, स्ट्रीमिंग की तो वैसे ही ज्यादा उम्मीद मत रखना इससे, इतने कम प्राइस में आपकी गेमिंग हो जाए वही बहुत है। मदरबोर्ड में हम यूज कर रहे हैं भाई MSI का H310M Pro VDH Plus Pro सीरीज, आपको बताइए MSI ये गेम से मेरी दिली तकलीफ है कि ये प्रो VDH इनकी बजट सेगमेंट में भी यूज करते हैं और ये प्रो VDH इनकी RTX सीरीज के बिल्ड में भी यूज करते हैं, जो कि मैंने तुम्हें अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने प्रो VDH के साथ Ryzen 5 और RTX 2060 सुपर जैसा ग्राफिक कार्ड पेयर कर रखा है। तो ये दिक्कत नहीं है कि तुम पेयर नहीं कर सकते, तुम पेयर कर सकते, तुम एक B450 बजट सीरीज के मदरबोर्ड पे भी Ryzen 9 3950X चला सकते हो, पर बात है चलने की नहीं है, बात है स्टेबिलिटी की, समझे। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम समझ सकते हो कि यार तुम किसी भी रिएक्शन से कुछ भी बना सकते हो, बट उसकी यील्ड वगैरह कुछ इस तरह का मटेरियल है, डोंट गेट इन टू डेट डीप, बट वो जो मदरबोर्ड होते हैं प्रो VDH वाले सीरीज वाले वो बजट सेगमेंट के लिए होते हैं, 50,000 के पीसी तक के लिए, उसके तुम ज़्यादा बड़े पीसी में यूज़ नहीं कर सकते, पर ये हेमचुक वाले भैया हमेशा यूज़ करते हैं भाई, प्लीज इतनी सही है, इट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन। तो इस प्राइस रेंज में काफ़ी ठीक ठाक सा मदरबोर्ड है, स्टोरेज में अच्छा मदरबोर्ड है, सबसे अच्छा मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज में तुम मदरबोर्ड में जितना पैसा बचा सकते हो उतना बचाओ। मैं तो तुम्हें कहूँगा अगर तुम AMD के साथ जा रहे हो ना तुम, तो कोई सेकेंड हैंड मदरबोर्ड मिल जाए तो सबसे अच्छा, क्योंकि तुम्हें इस बजट में तो तुम क्या यूज़ करते हो, बेसिकली मैं यूजेस बता रहा हूँ तुम्हारे कि तुम क्या यूज़ करोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक PCI Express स्लॉट यूज़ करोगे और एक CPU स्लॉट तो यूज़ करोगे ये, और एक कुछ दो मैक्सिमम दो रैम स्लॉट यूज़ करोगे, तो तुम इतना ही लो ना मदरबोर्ड, तुम मिनी ITX मिनी ATX ITX साइज का मदरबोर्ड लो, क्योंकि अगर तुम बड़ा मदरबोर्ड लोगे तो उसकी प्राइस महंगी होगी, तो उसके फीचर्स ज़्यादा होंगे, उसमें 2-3 GPU स्लॉट होंगे, मतलब PCI Express स्लॉट होंगे, तुम उसको जिंदगी में कभी यूज़ ही नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास इतना बजट ही नहीं है, तो क्या मतलब उस मदरबोर्ड को लेने का, समझे। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, एक बात करते हैं भाई SSD RAM की, सॉरी तो RAM में हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, हमने जो PC लिस्ट करा है उसमें तो भाई हम यूज़ कर रहे हैं G-Skill की 8GB की 3000MHz DDR4 RAM स्टिक, हमने PC बिल्ड में 8GB लगाई है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम 16GB इंटेल है 2666 पे ही चलेगा 9th जन है,
और यही मेमोरी हर जगह यूज करते हैं। पता नहीं कितनी थोप मिली है। लगा के दे जी स्किल। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी, उसी वक्त आप बता देना कि 16 GB लगते हैं, पर हम लिस्ट कर रहे हैं 8 GB वाली SSD है ये। बाकी बेस्ट करी गई है क्रूशियल की BX500 240 GB की SSD, सेटा वाली SSD है ये। बाकी SSD की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसमें 2 GB डालोगे ना बड़े, खत्म विंडोज के साथ। हार्ड डिस्क फायदे में रहोगे क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए पर तुम्हें स्पेस ज़्यादा मिलेगी। सेम कीमत में तुम्हें 1 TB हार्ड डिस्क मिलेगी। और अगर इस SSD के अंदर तुमने विंडोज़ प्लस GTA 5 प्लस हिटमैन 2 जैसे ये 3 चीज़ें भी डाल देना, ये 3 चीज़ें भी नहीं आएगी इस हार्ड डिस्क में SSD में। वही अगर तुम इस प्राइस में तो 1 to 2 TB तक की हार्ड डिस्क ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना जुगाड़ लगाते हो। वेबसाइट पे सिर्फ यही एक लिस्ट करी गई है, अगर पे कर देना और ये भी लगा देंगे। स्टोर पे आओगे तो कीमत अलग अलग तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर अब आते हैं भाई अपने PC के सबसे मेन कंपोनेंट में, जो कि क्या है, ग्राफिक्स कार्ड। तो हम यूज कर रहे हैं MSI का 1050 Ti। क्या है आप, आई डोंट हैव वर्ड्स, खत्म फिनिश। 1050 Ti 2017 में लॉन्च हुआ था, टू बी मोर प्रिसाइस। ना एक बार देख लेते हैं, दो हजार सोलह में रिलीज हुआ था, ठीक है। आज से 4-5 साल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2020 तो गया। मुझे जो आपको तुम्हें जरूरत नहीं समझाने की, ठीक है। इतना बता दो कि एप्पल का जो मैकबुक है M1 चिप वाला, उसका GPU 1050 Ti से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनबिल्ट एक APU है आर्म चिप के अंदर, वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। अब तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सेंस ही नहीं बनता इसका। थोड़ा बजट एक्सपेंड करो, एटलीस्ट 1650 सुपर या 1660 Ti लगो। इस GPU का कोई मकसद नहीं बनता। इफ़ यू कैन वेट देन वेट, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक बहुत ही तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है ये, तो ये ड्यूल फैन है, वो आपकी 450 W पावर है। एफ में आपको टेम्प हो गया तो वो कस्टमाइज कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है। सिर्फ जितना लेना नोटबुक में, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप वो जो पार्ट है जिस भी कंपनी का, जैसे मान लो ग्राफिक्स कार्ड में दिक्कत आई MSI की, तो फर्जी सब फर्जी। मैं तुम्हें बताऊंगा, गेमिंग करनी है Xbox Series S ले लो, खत्म खत्म। सिर्फ गेमिंग करनी है तो वही बात की जाए ना, तो वेट करो जनवरी का, क्योंकि जनवरी में Ryzen 5000 सीरीज के बजट CPU भी लॉन्च होंगे और शायद हो गए मेरे हिसाब से। और NVIDIA भी कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है, तो NVIDIA अनाउंसमेंट कर सकती है कि उसके RTX 30 सीरीज के GPUs के बारे में या फिर मोबाइल GPUs के बारे में। क्योंकि अगर NVIDIA ने 3050 Ti या 3050 जैसे ग्राफिक कार्ड अगर लॉन्च कर दिए, तो वो होंगे वो बजट सेगमेंट में और शायद तुम उसे अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। और वही अगर बात की जाए, अगर NVIDIA मोबाइल GPU लॉन्च करती है RTX 3000 सीरीज वाले, तो भी तुम्हारा ही फायदा है। क्या पता तुम एक अच्छा लैपटॉप यूज़ कर पाओ। भाई अभी जो अनमोल भैया ने जो लैपटॉप लिया था ना, वो भी बहुत ही घटिया चॉइस थी इनकी, पैसा बर्बाद किया है इन्होंने उस पर भी। अगर मैं उस पर भी वीडियो बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, पर यार तुम कहोगे तो बना दूंगा। मेरी इच्छा तो है बनाने की, बना दूंगा, क्योंकि भाई अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम यूट्यूबर्स के PC बिल्ड्स को रिव्यू करेंगे, समझे। PC बिल्ड्स को रिव्यू करेंगे, क्योंकि वायरल PC बिल्ड होते हैं, जैसे लाइक 4K एडिटिंग PC बिल्ड, मतलब ये तो नहीं कहूँगा, ये कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं, और तुम देखोगे बहुत से ऐसे नमूने क्रिएटर्स होते हैं जिनको PC के बारे में कुछ रत्ती पता भी नहीं होता ना, वो लोग बनाते PC। देखो मैं टेक ड्रीम्स इनकी बात नहीं कर रहा, ये बहुत रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पता है, पर जो नल्ले यूट्यूबर्स होते हैं उनकी बात करो, उन्हें PC के बारे में कुछ पता नहीं होता। ऑडियंस को नल्ला बनाते हैं भाई, 40,000 में 4K वीडियो एडिटिंग और गेमिंग और स्ट्रीमिंग PC का थंबनेल चिपका के वो बेचते हैं। मुझे बताओ भाई 40,000 में कौन सा 4K एडिटिंग PC आ रहा है भाई। अब तुम 4K एडिटिंग तुम्हारे फ़ोन से जो 4K वीडियो शूट हो रही है उसकी बात कर रहे हो कि किसकी बात कर रहे हो? क्योंकि कर समझो, तुम्हारे पास एक अच्छा फ़ोन है और एक तुम्हें फोटोग्राफी की थोड़ी समझ है, तो तुम यू विल नॉट शूट यूज योर नेटिव कैमरा ऐप, यू विल शूट ऑन 4K मोर देन 50 Mbps। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं 4K 100 Mbps पर शूट करता हूँ, तो इट विल लाइक एक मिनट की क्लिप ना 1
GB से ऊपर होती है, मतलब 3 मिनट की क्लिप 4 GB की होती है। और अगर तुम उसे अपने कंप्यूटर में डालोगे ना 40,000 वाले में, तबाह हो जाएगा वो। तो उस तरह ये एक सीरीज़ में स्टार्ट करो आज से, जिसकी पहली वीडियो ये थी अनमोल जायसवाल के द्वारा। ये बजट PC को हमने रिव्यू करा था, और इसकी अगली वीडियो में हम कुछ तड़कते फड़कते यूट्यूबर्स को रिव्यू करेंगे PC। हाँ समझ लो करें क्या चलाती है ना भैया ना। तो मेक श्योर हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन प्लीज।